दोस्तों कराची की सीमा हैदर और भारत के सचिन सिंह की प्रेम कहानी ने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। चाय के खोमचों से लेकर ऑफिस की कैंटीन तक बस इस एक ही मामले की चर्चा है। लोग दूर दूर से सीमा को देखने नोएडा के रबूपुरा आ रहे हैं। हरियाणा पंजाब से सीमा को शगन डालने लोग नोएडा आ रहे हैं। सचिन के घर के बाहर नई भाभी को देखने वालों का तांता लगा हुआ है। सचिन से शादी करते ही सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया है। वो बाकी हिंदू महिलाओं की तरह बिंदी और सिंदूर लगाने लगी हैं। उसने अपने चारों बच्चों को भी हिंदू बनाकर उनके हिंदू नाम रख दिए हैं। पाकिस्तान से सीमा को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उसका शौहर उसे तलाक देने को तैयार नहीं है। और इन सब के बीच बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सीमा हैदर का प्यार सच्चा है? क्या सचिन को लेकर अपने प्यार कोई नहीं जानता? पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारत के सचिन सिंह का प्यार इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। तो ये साल 2020 का मामला था। कोरोना के चलते दोनों देशों में लॉकडाउन लगा था। सचिन और सीमा दोनों मोबाइल पर पबजी खेला करते थे। चूंकि ये खेल खेलने के लिए आपको पार्टनर चाहिए होते हैं, तो यूं ही पबजी खेलते खेलते सचिन और सीमा एक दूसरे के पार्टनर बने। शुरू के 2 महीने सिर्फ खेल खेला, फिर आपस में एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए, फिर वीडियो कॉल होने लगी, दोस्त के तौर पर शुरू हुई। सीमा का सचिन के साथ प्यार परवान चढ़ रहा था। उधर वो सऊदी में रह रहे अपने शौहर से भी खुश नहीं थी। सीमा कहती हैं कि उसका शौहर बात बात पर उसे नीचा दिखाता था, जलील करता था। बच्चों के लिए थोड़े पैसे भेजने के अलावा उसे किसी से कोई प्यार नहीं था। सचिन से प्यार हुआ तो उसे लगा कि यही वो आदमी है जिसके साथ वो सारी जिंदगी गुजार सकती हैं। दोनों इसी साल मार्च में नेपाल में मिले, जहां उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। 1 हफ्ते तक दोनों नेपाल में ही रहे। सीमा ने जब तय किया कि उसे सचिन के पास इंडिया आना है, तो उसने वहां अपना छोटा सा प्लॉट बेच दिया, अपना और बच्चों का पासपोर्ट बनवाया, नेपाल का वीजा लगवाया और दुबई के रास्ते होते हुए नेपाल होते हुए इस साल मई में भारत एंटर कर गई। पहले 1 महीने तक दोनों एक मकान में किराए पर रहे, मगर जब उन्होंने एक वकील के माध्यम से यहाँ शादी करने का प्लान बनाया तो उसी वक्त कि उनका जीना मरना बस अब भारत में ही होगा। मैं ये धर्म स्वीकार कर लिया, जब मैं हिंदू, मेरे पति हिंदू, तो अच्छा लग रहा, तो देश भी अब मेरा हो गया, इंडिया भी, अब मैं इंडियन हूँ। सीमा के हिंदू बनने से कुछ लोग इतने खुश हैं कि वो कह रहे हैं, भले ही हमसे भारत की नागरिकता छीन ली जाए, चाहो तो मेरे बेटे को देश से निकाल दो, मगर सीमा को भारत में रहने दो। उनके 4 बच्चों के एक साथ धर्म परिवर्तन करने से भी कुछ बंधु लोग इतने निहाल हो गए हैं कि वो सचिन सिंह को भारत रत्न दिलवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं भारत में ही एक वर्ग को सीमा का यूं धर्म परिवर्तन करके हिंदू हो जाना रास नहीं आ रहा है। उनका बस चले तो वह अभी मुन्नी की तरह कंधे पर टांग कर सीमा और उनके 4 बच्चों को पाकिस्तान छोड़ाएं, बजरंगी भाईजान बन जाए। ये वो लोग हैं जो सीमा के धर्म परिवर्तन करने के दर्द को सीधा बयां नहीं कर